लोग छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में तथा संवारने में लगे हैं। यह कार्य आप जैसे उत्साही युवाओं के सहयोग से पूरी लगन से हम लोग कर रहे हैं। राज्य के जिला संगठकों को श्रेष्ठ कार्य के आधार पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए गए हैं। राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के वॉलंटियर, हमारे स्कूली बच्चे, एनएसएस के अधिकारीगण जिन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें मैं अग्रिम बधाई देता हूं। मुझे इस बात की हार्दिक खुशी है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ में आयोजित परेड में हमारे राज्य की राष्ट्रीय सेवा योजना की 8 छात्राओं ने हिस्सा लिया। यह परेड नारी शक्ति को समर्पित थी और हमारी छात्राओं ने इसमें हिस्सा लेकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। सेवा का जो अलख आपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जगाया है, उसे बनाए रखना है। विशेष रूप से नशा मुक्ति का कार्य काफी अहम है, जिसमें आप लोग बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सकारात्मक सोच से भरे हमारे युवा जब नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जन जागरूकता फैलाएंगे तो इसका निश्चित ही अच्छा असर होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना में किए जा रहे रचनात्मक कार्यों से आपने जो समझ हासिल की, उसे अपने साथी भाइयों तक ले जाने का कार्य भी आप लोगों का है। सरकार युवाओं के लिए बड़े काम कर रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में भी नई शिक्षा को लागू किया गया है। पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए हमने पुरानी परीक्षा प्रणालियों में आमूलचूल बदलाव किया है। हम युवाओं की स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं, नए जमाने के अनुकूल ट्रेड्स से उन्हें परिचित करा रहे हैं। प्रदेश का कोई युवा चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहे, रोबोटिक्स का काम करना चाहे या किसी भी तरह का कौशल सीखना चाहे, उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आपको उन्हें इसके लिए जागरूक करना होगा। आप जिन प्रतिभाशाली छात्रों को देखें जो प्रोफेशनल पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर बताएं कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के माध्यम से उन्हें ब्याज मुक्त ऋण मिल सकता है। सरकार लगातार विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में भर्ती निकाल रही है। इसकी सूचना आप लोगों तक पहुंचाएं, यह आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा हमारे एनएसएस के जो कार्यकर्ता उद्यम के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वे छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 50% सब्सिडी पर हम ब्याज मुक्त ऋण देते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवाओं को उद्योग जगत में अवसर प्रदान करने इंटर्नशिप योजना आरंभ की गई है। इसमें देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को काम सीखने का मौका मिलेगा और इसके लिए भत्ता भी मिलेगा। आप सभी इसका भी समुचित प्रचार प्रसार करें। आप सभी युवा हैं। युवा होने के साथ आप सभी में अतिरिक्त सद्गुण यह है कि आप सभी सेवाभावी भी हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता हूं। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय सेवा योजना से 1,06,000 स्वयंसेवक जुड़े हैं। इस विशाल संख्या और आप लोगों के उत्साह और ऊर्जा को देखकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हम विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के अपने लक्ष्यों को निश्चित ही प्राप्त कर सकेंगे। संकल्पित भाव से राष्ट्र निर्माण का कार्य करते रहें। मां भारती का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। एनएसएस के तरफ से एक मांग आया है, अभी आप लोगों को एनएसएस का विभिन्न कार्यक्रम करने के लिए शासन से मात्र 13 लाख रुपए मिलते हैं, तो मैं आज इस स्थापना के दिवस पर इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं।